The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So दोस्तों आज बात करेंगे हम बुजुर्गों के अब्यूज के बारे में, हमारे सीनियर सिटीजन्स एल्डरली उनके साथ हो रहे दुष्व्यवहार के बारे में। जी हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पूरी दुनिया में, इंडिया में तो थोड़ी ज़्यादा है, इंडिया में वैसी पॉपुलेशन ज़्यादा है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा होती है वहाँ और ज़्यादा है। वरना अगर आप ऐसी डेटा निकाल के देखोगे तो डेटा से आप खुद चौकन्ने बहुत चक्के हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे और निराश हो जाओगे, सैडेंड हो जाओगे। बहुत तकलीफ दे बात है ये कि छः में से एक बुज़ुर्ग जो 60 साल के ऊपर होते हैं वो किसी न किसी फॉर्म का अब्यूज़ झेलते हैं आपके घर से या परिवार से या कम्युनिटी से, राइट, एवरी ईयर, हर साल। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइप की चीज़ें जो आपको लगता है कि जहाँ पर भी नर्सिंग केयर हो रहा है या कोई ओल्ड एज होम है, इन जगहों पे और ज़्यादा रेट ज़्यादा है एल्डरली अब्यूज़ का, याद रखिए स्टाफ के द्वारा। सो इसमें अगर आप, इसमें जब सर्वे किया गया तो 3 में से 2 स्टाफ वहाँ काम करने वाले कहते हैं कि कभी ना कभी उन्होंने एक पिछले साल में ही किसी ना किसी बुज़ुर्ग को अब्यूज़ किया है। अब्यूज़ का मतलब है दुष्व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना। और ये जो चीज़ है ये आपके बुज़ुर्गों के दिमाग पे, उनके शरीर पे लॉन्ग टर्म, लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, अभी के अभी दबा दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो याद रखिए, जैसे जैसे लोग हैं, अब इंडिया के अंदर हो या कहीं भी हो, ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ पीपल जो 60 साल के ऊपर या उससे ज़्यादा है, राइट, ये अभी के डेट में मान के चलिए अराउंड, अगर डेटा निकाले तो एक 1,000 मिलियन तक के आसपास है, 1,000 या 1.5 मिलियन के आसपास है। और ये 2020 में यही पॉपुलेशन 2 बिलियन तक हो जाएगी। बिलियन पॉपुलेशन मतलब 2 बिलियन लोग पूरे दुनिया में अब्यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं दुष्परिणाम होगा। तो अगर आप दुष्परिणाम कह लो, दुष्व्यवहार, सॉरी। सो एक इसको क्या बोलते हैं, एल्डर मिस अब्यूज़ का मतलब क्या है? मतलब सिंगल या रिपीटेड एक्ट ऑफ और लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन ऑकरिंग विद इन एनी रिलेशनशिप, राइट। जहाँ पर कहीं पर भी एक्सपेक्टेशन हो ट्रस्ट का, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, स्ट्रेंजर जाके कुछ बोल दे तो कोई टेंशन नहीं करता, लेकिन अगर आप उसके साथ हैं, ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तब दिक्कत आती है एल्डरली। बागबान, याद रखिएगा, बागबान का ही कहानी है आज की। सो दिस कॉजेज हार्म एंड डिस्ट्रेस टू दैट ओल्डर पर्सन, उनको तकलीफ होती है, उनको चोट लगती है, उनको लगता है, उनको महसूस होता है कि ये गलत है। अगर वॉयलेंस हो तब तो और गलत है। वॉयलेंस तो भाई साहब मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, लेकिन मतलब मारपीट, फिजिकल अब्यूज़, जी हाँ, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी है, फिजिकल अब्यूज़ भी है, और कई जगहों पे दुनिया के अजीबोगरीब लोग भी होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, जी हाँ। सो हमें ये देखना है कि इसके अलावा जो सबसे कॉमन अब्यूज़ है इस उम्र में, मानेंगे क्या है, फाइनेंशियल अब्यूज़ है। इसलिए बोला जाता है कि आप बूढ़े हो जाएं उससे पहले अपने बैंक बैलेंस को सही रख लो। अपने पास पैसे होने चाहिए, आपके पास कम से कम पैसे होने चाहिए कि बुढ़ापे में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मटेरियल अब्यूज़ होता है, कोई चीज़ दे रहे, कुछ चीज़ नहीं दे रहे। अबैंडनमेंट होता है, कोई चीज़ निकाल ली, आपको क्या ज़रूरत है, आप दे दो मुझे, आप ऐसा करो मेरा पुराना चीज़ ले लो। निग्लेक्ट होता है, लॉस ऑफ डिग्निटी होती है, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट होता है, सीरियस प्रॉब्लम है ये, देयर इज़ अ बिग इशू गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि
इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे इससे इशू क्या आ जाएगा, इससे इसको प्रिवेंट कैसे करें, इससे हेल्थ में उनके उनके दवाइयों लेने के उनकी बॉडी के रिस्पॉन्स में, उनके होम्योस्टेसिस में, किसी की शुगर ख़राब हो जाना, किसी का बीपी ख़राब हो जाना, किसी को सीरियस हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट अटैक आ जाना, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। उनके दिमाग का जो डिमेंशिया हो रहा है, भूलने की ताकत है, वो सोचने समझने की ताकत कम हो जाना, अल्जाइमर्स का जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनका इच्छा, उनके जीने की इच्छा, उनके खाने की इच्छा कम हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप समझते हो, ये आप समझते हो, बट क्या नहीं समझते हो, क्या नहीं समझते हो कि कहाँ कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं हो जा रही, और क्या नहीं समझते हो कि इसको प्रिवेंट कैसे करना, इसकी स्ट्रैटेजी क्या, इसके लिए कैंपेन लेना पड़ेगा, पब्लिक प्रोफेशनल अवेयरनेस स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, या बच्चों को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, या क्या केयर गिवर को सपोर्ट देना पड़ेगा, रूल्स निकालने पड़ेंगे। देखिए कम्युनिटी है, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो बेहतर, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं देखते हो ऐसा कुछ अब्यूज़ होते हुए तो उसको रिपोर्ट करो, और साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं, जो लोग अब्यूज़ हो चुके हैं उनको थोड़ा हेल्प मिले, उनको थोड़ा बातचीत मिले करने के लिए, लोग हो न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, राइट, फिजिकल सपोर्ट मिले, सोशली वेलफेयर उनका देखा जाए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हेल्प अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में मिसयूज़ हो रहा है। सो ये आपकी जिम्मेदारी है, सबसे बेसिक बेसिक जिम्मेदारी खुद के घर में होती है कि आप अपने घर में देखो कहीं किसी बुज़ुर्ग को, देखो एक उम्र के बाद और कुछ नहीं चाहिए होता, ना तो खाने का कुछ है कि ये खा लूँ इच्छा हो जाए, या घूम लूँ इच्छा हो जाए, राइट, कोई इस तरह के लोभ नहीं रह जाते। एक ही चीज़ होती है कि हमारी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस हो, रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं जिंदगी में, और कुछ कमाया नहीं कमाया, सिर्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए जिंदगी में, ये इम्पोर्टेंट, ये चाहिए आपके बुज़ुर्गों को। तो आपने सिर्फ चाहे आता है, चाहे आपको आता है करना, पूछ लीजिए उनसे, पूछ लीजिए। फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको दुनिया का सारा खाना बनाना आता है, दुनिया का सारा खाना ना बना, बहुत बड़े शेफ हो, फिर भी अपनी माताजी, अपनी सासू माँ से एक बार पूछ लो कि इसको ऐसे करके बना लूँ या इसमें कैसे बना लूँ। सीरियसली डजंट मैटर, आई मीन हर एक का नेचर अलग होता है, हो सकता है कुछ तरीके की सांसें डांट दें आपको, तो मैं इतना ना आता, बाकी दे फील इम्पोर्टेंट, इम्पॉर्टेंस दो, चाहे ऐसे चाहे तैसे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, कान ऐसे पकड़ो ऐसे, इम्पॉर्टेंस आपको देनी है उनको, उनकी 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 नीड है वो बता। सो इफ यू हैव अ पर्पस इन लाइफ, यू वॉन्ट टू लिव लाइफ, इफ यू डोंट हैव अ पर्पस, सो यू हैव अ पर्पस, गिव देम द पर्पस, उनको पर्पस दो, पर्पस दोगे तो काम हो जाएगा। सो दैट इज द मूल मंत्र, सिंपल ऑफ दिस टॉपिक फॉर टुडे, जो है कि इग्नोर ना करें उनको, इस प्रकार का फील ना होने दें, अब्यूज़ हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करें, अब्यूज़ होने मत दें, वो करें भी ना, ठीक है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ शेयर दिस, स्टे कनेक्टेड, स्टे